तो यहाँ पर WWE से एक जॉन सीना के बारे में एक बिग अपडेट पता चली है। जॉन सीना के बारे में एक बिग अपडेट बता, चाहे रेसलमेनिया में वो होने वाले हैं या नहीं, या वो रेसलमेनिया के बाद होने वाले हैं नहीं, सारे चीज़ों का यहाँ पर आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही यहाँ पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में एक बड़ी खबर आ रही है, एंड ब्रॉक लेसनर का एक बिगेस्ट मेन इवेंट अपोनेंट कौन होने वाला है, एंड अंडरटेकर के मुताबिक यहाँ पर जो ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का मैच होने वाला है उनमें कौन विनर होगा, इन सारे चीज़ों के जवाब इस वीडियो में आपके मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल पर नए तो चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दे रहे, मिलते चलते अगले वीडियो में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे बात करते हैं जॉन सीना रेसलमेनिया में, तो यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर रिक फ्लेयर ने यहाँ पर एक ट्वीट करके कहा है कि मेरे हिसाब से यहाँ पर जॉन सीना को अब, यानी WWE को अब जॉन सीना की ज़रूरत नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर जॉन सीना एक बड़े स्टार है तो हमें भी, हम जैसे फैंस को भी यहाँ पर जॉन सीना शाह मांगते हैं तो मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर जॉन सीना रेसलमेनिया में मैच नहीं करने वाले है, ये तो कंफर्म हो सकता है, हो चुका है मेरे हिसाब से, क्योंकि जॉन सीना के बारे में यहाँ पर WWE कुछ अपडेट्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अपडेट्स आई थी बीच में कि रेसलमेनिया के बाद यहाँ पर जॉन सीना का जो अपोनेंट है आने वाले, राइवरी होने वाली है, वो ब्रॉक लेसनर के साथ होने वाली है, तो होती है या नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन होगी तो बहुत ही अच्छा होगा यहाँ पर। अगली स्टोरी के ऊपर चलते स्टोन कोल्ड के बारे में, तो यहाँ पर स्टोन कोल्ड ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि यहाँ पर केविन ओवेंस ने मेरे को बहुत कम टाइम दिया है, मैं तो यहाँ पर फाइट करना चाहता हूँ, ना कि एक शो करना चाहता हूँ, मैं रेसलिंग के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ, यहाँ पर मैं रेसलिंग करना चाहता हूँ, रेसलिंग का भूखा हूँ, अब यहाँ पर मुझसे नहीं रहा जा रहा है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस शो का। तो यहाँ पर स्टोन कोल्ड ने कहा है स्पेशली मैं एक मैच करना चाहता हूँ ना कि शो। अगली स्टोरी के ऊपर चलते हैं, यहाँ पर अगली स्टोरी हम बात करने वाले अंडरटेकर के मुताबिक यहाँ पर उस मैच में कौन विन हो सकता है। तो यहाँ पर अंडरटेकर के मुताबिक यहाँ पर अगर ये मैच कोई जीत सकता है तो वो है रोमन रेंस जीतता हो जीत सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ब्रॉक लेसनर हारते तो मैं बहुत अपसेट हूँगा। फिलहाल तो ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, क्योंकि कौन विनर होगा ये बहुत ही मुश्किल हो रहा है चूज़ करना कि कौन इस मैच का विनर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक समय एक तरफ है ब्रॉक लेसनर और एक तरफ है रोमन रेंस और दोनों बिग स्टार है, क्योंकि एक चैम्पियनशिप यूनिफिकेशन है, दो शो को रन करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अंडरटेकर के मुताबिक तो रोमन रेंस है, लेकिन रोमन रेंस जीते तो अपसेट होंगे, क्या कहना चाहते हैं, बहुत ही मुश्किल, हर फैंस का यहाँ पर दिल यही कहता है कि रोमन जीते, मन कह रहा है ब्रॉक लेसनर जीते, इंटरेस्टिंग होने वाला भाई ये मैच रेसलमेनिया का। तो अगली स्टोरी के ऊपर चलते हैं, जो कौन होने वाला है ब्रॉक लेसनर का नेक्स्ट अपोनेंट, एक बिग मेन इवेंटर, तो और कोई नहीं, जैक गेबल ने यहाँ पर ट्वीट कहा है कि मैं ब्रॉक लेसनर के साथ मैच करना चाहता हूँ, डेफिनेटली हम फैंस के लिए ये तो मैच लॉक है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर वर्सेस जैक गेबल ये मैच होना ही होना है। अगर ये मैच यहाँ पर रेसलमेनिया अगले रेसलमेनिया में होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर ब्रॉक लेसनर हार सकते हैं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट जो अगले रेसलमेनिया तक है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाए तो डेफिनेटली हमें ब्रॉक लेसनर जीतने को मिल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है जब भी ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में मैच हारते हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त ख़त्म होने वाला होता है, एंड वो एक बड़ा ब्रेक लेके बाद आते हैं, लेकिन इस बार नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर बहुत एंटरटेनिंग कर रहे हैं हमें। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।